वैसे एक बात तो सच है कि हम रेमिडीज करके अपने बालों का, स्किन का, हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, लेकिन एक चीज जिसके लिए हमें बाहर निकलना ही पड़ता है एनी हाउ, वो है जब बात आती है थ्रेडिंग, अपर लिप्स और वैक्सिंग की। वैक्सिंग भी आप कर सकते हो, लेकिन अपर लिप्स और थ्रेडिंग भाई आपको बाहर निकल के पार्लर में जाना ही पड़ेगा। फाइनली यहाँ कैनेडा में मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ किसी पार्लर में, और क्योंकि अपर लिप्स और थ्रेडिंग मुझे करानी है। और बहुत दिनों से मैं ना इस चीज़ को देख रही थी कि कनाडा में यहाँ पे कहाँ पे कितना चीप मिल सकता है। भाई मैंने लिटरली अभी तक जितना भी देखे ना, कई बार हम जैसे वॉक करने निकलते हैं तो पार्लर्स दिखते हैं यहाँ पे, और जो उनके टोरंटो ओंटारियो में मैंने प्राइस देखे हैं ना, मानोगे नहीं, $20, किसी का $25, किसी का $30, इस तरीके से प्राइस है। तो आप मानोगे, मतलब अगर मैं सबसे मिनिमम इनमें से $20 भी लेके चलूँ तो 20 × 60 मतलब 1200 रुपये सिर्फ एक थ्रेडिंग के और अपर लिप्स के। भाई इतना महंगा है, इतना महंगा है लिटरली। मतलब इसी चीज से अंदाजा लगा लो कि अपर लिप्स और थ्रेडिंग इंडिया में कितना प्राइस होगा। मैक्स मैक्स वैसे 10-20 में हो जाता है, पर चलो आप एक अच्छे पार्लर से भी कराओगे तो ₹50 में आपके कर देंगे अपर लिप्स और आईब्रोज। लेकिन ₹1200 जो एक 10 मिनट के काम के लिए, 15 मिनट के काम के लिए, मतलब ये कुछ ज्यादा ही हो गया। बट वही, आपके पास ऑप्शन नहीं, आप क्या कर सकते हो जब करनी आती नहीं है। तो बहुत दिनों से मैं अवॉइड कर रही थी, लेकिन जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अभी वही देख रही थी, थोड़ी देर पहले भी गूगल में यही सर्च कर रही थी कि इसे चीप पार्लर कहाँ मिल सकता है, लेकिन कुछ भी ऐसा कोई खास डील या डिस्काउंट मुझे नहीं मिला कहीं भी। बट स्टिल आज हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे, और आज तो फाइनली मुझे कराना ही है एनी हाउ, क्योंकि कल कहीं बाहर जाने का प्लान है। बज गए दोपहर के 2, फटाफट से निकलते हैं, देखते हैं कई कई जगह पे घूमेंगे, डील्स निकालने की कोशिश करेंगे, देखेंगे 1200 से और कितना कम होएगा या 1200 से भी बढ़ ना जाए, क्योंकि मिनिमम मैंने $20 का बताया, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे ज़्यादा ही प्राइस मिल सकते हैं। लेकिन हम ट्राई करेंगे, चलते हैं और मैं आपको बताऊंगी कितने की डील मुझे फाइनली मिली और कैसी सर्विस रही इनकी, क्या 1200 लायक था भी नहीं, वर्थ था कैसा, मतलब क्योंकि पहली बार बाहर कराना, बाहर मतलब पूरा टोटली नया एक्सपीरियंस होने वाला है। और एंजॉय विद मी और दिखाते हुए आपको यहाँ की सर्विसेज, यहाँ का पार्लर, सो लेट्स गो। तो अभी हम आए गिरार्ड स्ट्रीट, और ये हमारे होटल से जहाँ पे हम रुके हुए हैं वहाँ से 15-20 मिनट के रास्ते पे था। तो यहाँ पर प्रवीण बता रहे थे कि यहाँ पे उन्होंने कुछ कुछ सैलून्स देखे थे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर ना इंडिया लोग हैं, तो मतलब थोड़ा सा कम आप रेट एक्सपेक्ट कर सकते हो, थोड़ी डील एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे मिल सकती है आपको अच्छी। फाइनली मुझे भी शॉप मिल गई है, और यहाँ पे मैंने अभी प्राइस का कंफर्म किया थ्रेडिंग और अपर लिप्स, तो दोनों का मिला के मतलब $9 में था। लेकिन ये कि अगर आप ये विदाउट टैक्स, अगर आप टैक्स के साथ करते हो तो कार्ड के साथ आपका $10 की पेमेंट है। तो फाइनली मैंने फिर बात की तो मतलब वो $9 पे एग्री थे विदाउट टैक्स, कोई अलग से एक्सटर्नल टैक्स, तो मतलब मुझे भी एक अच्छी डील मिल गई है यहाँ पर। सो यहाँ पे अभी कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, कोई वेटिंग टाइम नहीं था, तो इसलिए मैंने सर्विस ले ली है, और बाद में अब मैं यहाँ पे शूट करके आपको दिखा रही हूँ। सो आई एम हैप्पी विद द सर्विस, और मैंने यहाँ से कार्ड भी ले लिया है कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप आओ तो मतलब मैं फ़ोन करके आ सकती हूँ। बाकी अगर यहाँ पे फुल बॉडी वैक्सिंग आप करा रहे हो ना, तो उसका $90 प्राइस है जो मुझे अभी बताया। तो मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा यहाँ पे, और सारी चीज़ें जल्दी हो गई, 10 मिनट में सारा काम भी हो गया, और सबसे अच्छी चीज़ ये कि मतलब डील भी मुझे अच्छी खासी मिल गई है। बाकी अभी कुछ कुछ प्राइस मेंशन भी है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो चलो मेरा काम तो हो गया, इट्स कम, बाय बाय।